हेलो इंडिया, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, हम भी है बढ़िया। तो फाइनली हम हैं अभी वैष्णो देवी में बाल गंगा घाट पे, हम भी फर्स्ट बाल गंगा के पास, और हम अभी चढ़ाई करने वाले हैं वैष्णो देवी। और फाइनली अभी मैंने बाल गंगा में अपना स्नान उस्नान कर लिया हूँ। यहाँ पे मान्यता है आप साबुन या तेल ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते। और एक गंगा को पीछा कर रहे थे फिर, तो जब नवग्रह में जाने से पहले माता ने यहाँ पे हनुमान जी को पहरा के लिए रखा गया था तो हनुमान जी ने माते से रिक्वेस्ट किया कि माते यदि मुझे प्यास लगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो माते ने बोले कि ठीक है। तो माते ने बांध से यहाँ पे पानी निकाले थे, वही है एक बाल गंगा। और जब हनुमान जी ने भर में पानी पिया तो माता ने यहाँ पे बाल धोए थे। इसका आप तीन नाम से भी ये प्रसिद्ध है, बाल गंगा प्लस बाण गंगा और केस गंगा, ये तीनों से प्रसिद्ध है ये। तो ये है गंगा। तो हम स्नान कर चुके हैं, अब चढ़ते हैं, यहाँ से चढ़ाई करते हैं ऊपर की ओर आगे। तो फाइनली गाइस चढ़ाई करती हैं और कुछ ऐसे नज़ारे हैं, चलते हैं। बारिश हो रहा है बट कोई नहीं, चलते हैं। हल्का हल्का सो रहा है, इतना से कुछ नहीं होगा, जब जोर हो जाएंगे। तो फाइनली गाइस चढ़ाई तो हो चुके हैं, लगता है टफ होने वाला है क्योंकि बहुत ऐसे करके पूरा चढ़ाया है। यहाँ आने से पहले एक सूचना है, आप इस पर ध्यान जरूर रखें। हम वो नीचे से आए हैं, इतना ही आने में मेरा हालत ख़राब हो गया। ये बैग बहुत भारी है ना, इसलिए चलते हैं अभी। जय माता दी। अलीगढ़ हम उधर सिटी है, हम उस सिटी से आए थे पहले, जहाँ पे वो टूटा हुआ था वहाँ पे, वो सामने में टूटा हुआ था, उस होके भी आ सकते थे हम, बट इसे ऐसे होते हुए उनके साथ फाइनली गाइस मैंने कुछ टॉफ़ी ले लिया हूँ, क्योंकि जैसे कि लो फील हो रहा था, एनर्जी मीठा खाने से एनर्जी मिलता है। तो फाइनली मैंने कुछ टॉफी लिया, टॉफी खा के लड़ते हैं आगे। वो बहुत है अभी, दो पहाड़ और चढ़ना है। अभी तो सिर्फ एक घंटा ही हुआ, एक घंटे में बस 1.5 किलोमीटर चले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारे लंगूर हैं ऊपर कूद रहे जैसे लग रहा है, ये देखो ये लंगूर कूद रहे हैं ऊपर सब लोग। तो फाइनली गाइस ये छोटी सिस्टर ने मेरे से पानी मांगा, कोई नहीं पी लो आराम से, पियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। शेर लो, खालो ये भी खालो। आपने मेरी वीडियो बनाई? हाँ मैंने आपका वीडियो, बोलो बोलो, मेरी बहन नहीं हो, बना लो एक बार हंस दो, बस हाई कर दो, इसे हाई कर दो प्लीज़ मेरे लिए। कॉफी लो, ले लो, अरे ले लो, ठीक आते आते टाइम पैसे देंगे, ठीक है? हाँ हाँ Thank you.
इधर आते टाइम पक्का दूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस, पक्का दूंगा पक्का। ऐसे नहीं, ठीक है, ये लो 10 रुपया मेरे पास, ठीक है, खुश। अब तो हाइक कर दो, यहाँ से टोटल 526 सीढ़ियाँ, आपका भाई सीढ़ी से जाएगा, कोई नहीं, आप मैं अब सीढ़ी से जाऊँगा। हाँ सीढ़ी से चलते हैं, रिटर्न टाइम उससे आएगा नीचे से। जय माता दी। अरे अरे 526 सीढ़ी चढ़ना भाई, हालत ख़राब हो जाएगा आज। एक तो 30 किलो का बैग ऊपर से, दोस्त उसमें तो बोल दिए कि 526 चढ़ना है, अभी 10 में ही हालत ख़राब हो गया। जय माता रानी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तय वाला दे, फाइनली गाइस कुछ इस तरह का व्यू है, खतरनाक व्यू है, और हालत खराब हो गया आज गर्मी से, बैग बहुत भारी हो गया। अब वो देख रहे हो वो कि मेरा बैग बहुत भारी है, अच्छा हुआ कल मेरा बैग फट गया था, सिलवा लिए, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाता। और मौसम सुने हैं कि उतर ऊपर बहुत ठंड है, ऊपर क्या होगा आज, मेरा भाई का कुल्फी जमेगा आज, टेंशन मत लो, ऊपर बहुत ठंड है गाइस, खतरनाक वाले मस, कैसे होगा, कैसे चढ़ पाऊंगा। जय माता रानी। पता नहीं कितना सीढ़ी अभी हो गया होगा, फाइनली पहुंच गए ऊपर तक, जाना है बस, अब सीढ़ी नहीं लूँगा, अब सीधा और अड़ सत्तर से आऊँगा, सीढ़ी में बहुत प्रॉब्लम होता है, सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, उतरते टाइम सीढ़ी लेंगे। और गाइस अब काफी गाइस, तो फाइनली 526 सीढ़ी पूरा होने वाला है, ठोको लाइक, 26 सीढ़ी में 4 कम है, टोटल 526 हो जाएंगे, 4 चढ़ जाएंगे। तो लुक एट द व्यू गाइस, क्या ही मस्त नज़ारे, दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं। मैं अब सीढ़ी नहीं लेने वाला हूँ, बाहर उठ जाएंगे, वो हालत ख़राब हो गई क्योंकि बहुत दूर जा रहा है, रेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि शाम होने वाले हैं, और शाम हो जाएंगे वीडियो क्वालिटी अच्छे नहीं आएंगे, तो चलते हैं। ओ भाई कितनी गर्मी लग रहा है, मेरा बैग सबसे भारी है, वही दिक्कत हो रहा है। अब इसमें से मैं इसमें से कुछ निकाल भी नहीं सकता था क्योंकि ऊपर बहुत ठंड है, और जो मेरे पास है वो ज़रूरी कहीं सामान है, तो निकालना मुश्किल है, बट कोई नहीं, माता रानी की तरफ, माता रानी की कृपा से सब सही हो जाएंगे। थोड़ा सा प्लेन रास्ता है बट काम बन जाएगा। कैसे हो भैया? जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से हो? दिल्ली। अच्छा हाँ, भारत यात्रा भारत चलते हैं।
अब अंधेरा होने वाला है कुछ ही देर में, कि हम पहाड़ों में, पहाड़ों में जल्दी अंधेरा हो जाते हैं। बट कोई नहीं, अभी सफ़र बहुत सफ़र बचे। जो 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 हम जो ऊपर तक के अब जा रहे हैं, ठंड बढ़ते जा रहा है, ठंड हल्का हल्का लग रहा है। बट कोई नहीं, आगे ऊपर जाके जब पहुँच जाएंगे ना तो कपड़ा चेंज कर लेंगे ठंड वाले। मैंने पास कुछ है ठंड वाले कपड़े, तो लग रहा है पहुँच गए। बट हमको नहीं लग रहा कि अभी तक पहुँच गए, क्योंकि अभी बहुत ऊपर है। चलते हैं, बहुत थक गया है। मेरे फेस पे दिख रहा होगा इतना परेशान है। गाइस, तो 50 रुपये में 30 रुपये का ये लिए हैं और एक चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलते चढ़ाई करते हैं, क्योंकि भूख बहुत। इधर बोल रहे हैं, इसमें बोल, भूख बहुत जोर से लग रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना खा के आपसे मिलते हैं चाय लेने। पता नहीं कितने का चाय था। और ये तो मैं टॉप पे, और यहाँ का सिटी का नज़ारा देख रहे हो गाइस, कितने प्यारे लग रहे हैं सिटी। अभी और अच्छे लगेंगे जब नाइट हो जाएंगे ना। ये लोग बंदर कर रहा है, खतरनाक स्टंटमैन। टेंशन है इस बात का कि फोन लेके भाग ना जाए। गाइस, सॉन्ग बज रहा है बट कोई नहीं, ऊपर के कैंपिंग कर सकते। चलो गाइस, आपका भाई पहुंच गया माता के दरबार। जय माता की। अभी और है बट आप समझ लो पहुंच ही गए। वो सामने है माता। अभी नाइट स्टे के लिए भी, अरे पुपरी ऊपर और चढ़ना है, हिम्मत नहीं अब भाई, मेरे से अब नहीं चढ़ा जाएगा। वाह। और ये भैया कहाँ से? हरिद्वार से। हरिद्वार से। तो फाइनली गाइस, अभी मैं पहुंच गया हूँ जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी माता के दरबार। और फाइनली आज नाइट स्टे करने का है, यहीं पे सोच रहा हूँ टेंट लगा दूँ। और भूख लगा है, देखते हैं, बिस्किट और चाय तो खाए हैं बट भूख लगा है, क्या करूँ। बैठ के ये आनंद ले रहा हूँ इस व्यू का, क्या मस्त लग रहा है भाई। फोन में शायद नहीं दिखता होगा बट मस्त लग रहा है, देखने में तो मज़ा आ रहा है। बट कोई नहीं, थोड़ा देर यहाँ पर बैठ के चिल मारते हैं और कपड़ा पहले चेंज करते हैं, क्योंकि रात में बहुत ठंड लगेगा भाई। और ये भाई है, क्या कुछ कहना चाहते भाई बोल। तो गाइस, बहुत ठंड लग रहा है यहाँ पे, पूछो मत। हवा चल रहा है और ठंड ज़्यादा लग रहा है। मैं जल्दी टेंट लगाने वाला हूँ, कि पहले एक कंबल ले आता हूँ रात में, बाई चांस ठंड बढ़े तो कंबल। तो फाइनली गाइस, ठंड बहुत लग रही है, हवा चल रहा है, ठंड बहुत लग रहा है, रात में तो और ठंड बढ़ेगा यहाँ पे। बट मैं अपना टेंट लगाऊंगा कुछ देर में, मैं पहले कंबल ले आता हूँ रात में रूम ओढ़ने के लिए। और मैं ना आने में वहाँ का रहने वाला हूँ खेमपुर का, और मैं वैष्णो देवी घूमने आप बिल्कुल मस्त जगह है, और बस पर ठंड बहुत है। और चैनल को दबाकर आगे बढ़ो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, हम भी बढ़िया। जय माता दी। सुबह के बज रहे हैं 3, और मैंने 3 बजे आज मैंने अपना वहाँ पे सेटअप किया था टेंट रात में सोने के लिए, तो रात में मस्त सो गए। अब यहाँ सुबह चढ़ाई करते हैं। 3 बजे यानी कि मैं पहुँच जाऊँगा 6-7 बजे तक, ऊपर पहुँच जाऊँगा दर्शन उर्शन करके, रात में आके यहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मस्त सोने के लिए ठंड भी बहुत कम है। तो चलते हैं और दर्शन करके आते हैं माते के, क्योंकि अभी हमको उस टॉप पे जाना है, उधर जो लाइट जल रहा है उसके उस पार जाना है, तो काफ़ी लंबा सफ़र है, 3-4 घंटे और लगेंगे हमको ऊपर चढ़ने में। बट कोई नहीं, चढ़ लेंगे, माता रानी साथ है तो टेंशन की किस बात की है। मैंने सारा कुछ रात में खाया पिया और टेंट वहीं लगा दिया। इधर फोन चोरी होने का बहुत चांस है, इसीलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं किया रात में, टेंट लगाया सोया और एक वीडियो एडिट किया और सो गया, क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं किया रात में, इसलिए कि बैटरी डाउन हो जाएगा और पावर बैंक अब उतना चार्ज नहीं रहा है,
यानी कि दो बार चार्ज कर सकते हो। तो आज दिन में एक बार कर लेंगे, एक बार रात में कर लेंगे, हो जाएगा काम। ज़्यादा फ़ोन यूज नहीं करना, बस फ़ोटो के लिए करना और वीडियो शूट करना। और 3 बजे का माहौल देख रहे हो कैसा है, ऐसा लग रहा दिन ही है। चलते इधर आते ही पर्ची कटवा लेंगे और लाइन में लग जाएंगे माता। यहाँ पे भी एक मंदिर है, इधर रहने का साधन है। गाइस 6 किलोमीटर कवर करने के लिए हमको अभी भी 3 घंटा बाकी है और 4 घंटा लग गया हमको 3 किलोमीटर कवर करने में, क्योंकि मेरा बैग बहुत भारी है। और अभी जस्ट सनराइज होने, देख सकते हो कुछ व्यू इस साइड होने वाले। चलते हैं टॉप पे और इधर का व्यू मस्त लग रहे हैं। मैं ही अकेला बंदा हूँ जो भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ ऊपर के लिए, क्योंकि अभी सारे बंदे घोड़े पे ही जा रहे हैं, बट मैं पैदल ही जा रहा हूँ। अभी यहाँ से अभी 3 किलोमीटर और बचे हैं ऊपर टॉप के लिए, तो चलते हैं तैयारी करते हैं। और बंदर लोग भाई, बंदर लोगों से कभी भी आ रहे हो तो बंदरों से बच के रहना, नहीं तो कुछ भी लेके भाग जाते हैं। एक अंकल का फोन लेके भाग गया और छत पे आके बैठ गया।